दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, लेकिन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग लिख के भेजना होगा ताकि मैं उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकूँ। अगर आपने सही से लिख के भेजा तो आप मेरी यहाँ पर ये गारंटी है कि आपको उस क्वेश्चन का जो वीडियो हो नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 279 है तो वह धनराशि याद करें। तो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों इन्होंने हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ पे धनराशि है वो पता करनी है, जो उनका कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवर्ती ब्याज है उसका, और जो उसका जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट है, उन दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है 279। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि जो वो राशि है धनराशि है वो क्या है, पी है, ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं पी है। तो चक्रवर्ती के अनुसार हम पहले ब्याज निकाल लेंगे, फिर साधारण के हिसाब से ब्याज निकाल लेंगे, फिर चक्रवर्ती वाले में से साधारण का माइनस कर देंगे और उसको हम किसके बराबर रख लेंगे यहाँ पे 279 के। तो चलिए चक्रवर्ती के फार्मूले के हिसाब से चलते हैं। पहले तो P1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10 का है यहाँ पे, ओवर 100 कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए, और माइनस यहाँ पे पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, और इसमें से हमें माइनस क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। सिंपल क्या है यहाँ पे, पी इंटू 10 × 3/100, और ये बराबर है किसके, इन्होंने जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 279। तो बेसिकली हमारे पास ये यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई है, यहाँ पे हमें क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये कट देते हैं इससे, ये 10 इससे कट जाएगा, ठीक है, ये पी को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पी है, फिर माइनस के बाद यहाँ पे पी है, फिर माइनस के बाद यहाँ पे पी है, ठीक है, हमने एक पी को कॉमन निकाल लिया। 10 को 1 के साथ करोगे 10 हो जाएगा, प्लस 1 11 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 13 31, और नीचे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये पी हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, और फिर माइनस का सिंबल है, और यहाँ पे ये हमने कट कर लिया, पी को बाहर निकाल लिया, ऊपर कितना बचा है, 3 बचा है, और नीचे कितना बचा है, 10 बचा है, ठीक है, और ये बराबर है किसके, 279, ठीक है। अभी हम इनको सॉल्व करते हैं, नीचे 1000 ले लेते हैं एलसीएम, और ये कितना, ये तो इतने रह जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और सॉरी ये 100 नहीं है, 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 इधर है, 100 1000 से डिवाइड करोगे 100 आ जाएगा, 100 × 3 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट के अंदर है, पी बाहर है ऑलरेडी हमारे यहाँ पे, और ये बराबर है 279 के, ठीक है। अभी इनमें से ये माइनस करोगे, ये 1000 माइनस करना, 300 माइनस करना, तो टोटल हमें कितना, 1300 माइनस करना है, 1000 ये हो गया, 300 ये हो गया, ये कितना हो गया, 1300 हो गया, और ये यहाँ पे 1331 है, 1331 में से 1300 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 31 बचेगा ओनली, ठीक है, 31/1000, पी बराबर है 279, ठीक है। अभी पी की वैल्यू निकालेंगे हम, 1000 उधर ऊपर चला जाएगा, 279 × 1000/31, ठीक है, 31 को भी हम इसके साथ काटेंगे, ये 9 से कट जाएगा पूरा, 31 नया कितना होता है, 279, 1 आ जाएगा यहाँ पे, 9 आ जाएगा, 9 को इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9000, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9000, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 9000 आ जाता है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।